हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग। इस वीडियो में एमएस एक्सेल कवर करेंगे। इस वीडियो में हम एमसीक्यू नहीं करने वाले हैं, हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को, हमारे पीडीएफ की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो बेल्ट्रॉन के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो 27 नवंबर का एग्जाम हो या फिर 30 नवंबर के एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन इसी में से आए हैं, इसी पीडीएफ से आए हैं। इतना स्मार्ट पीडीएफ है ये कि आप इसकी क्वालिटी देख के बता सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। और इस पीडीएफ की एक इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो आंसर शीट हमने प्रिपेयर की है, उसमें जैसे आपको क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, तो इस वीडियो में हम वन लाइनर एमएस एक्सेल आपसे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आंसर शीट में कि एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको वन लाइनर कंप्लीट कराएंगे, एमएस एक्सेल का पूरा कोर्स है ये। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो एमएस एक्सेल में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जो आपका बेल्ट्रॉन का पेपर है उसमें एमएस ऑफिस स्पेशल पूछा जा रहा है, ठीक है। एमएस ऑफिस 2016, ठीक है। और इस एमएस ऑफिस 2016 में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, जिसमें सबसे जो मेजर पोर्शन आ रहा है एमएस एक्सेल से और एमएस पावर पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा, किस वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा, तो वो होता है A1। नेक्स्ट है, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या है, तो किसी ये होगा उसका अंतिम सेल एड्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो जो चार ऑप्शन मेंशन थे जैसे चौथे क्वेश्चन में, उसमें ये ग्राफिकल फाइल्स नहीं है। तो चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें ग्राफिकल फाइल्स बता दिए जाते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं, चौथे क्वेश्चन पे ये ग्राफिकल फाइल्स नहीं है, बाकी ये तीनों ग्राफिकल फाइल हैं, ठीक है। चाहे जीपीजी हो, जीआईएफ हो, बीएमपी हो या जेपीजी हो, ये सभी ग्राफिकल फाइल हैं, लेकिन टीएक्सटी ग्राफिकल फाइल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवें पे, एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है, एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को वर्कबुक कहा जाता है। यदि एक्सेल में कई सारी वर्कशीट है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को वर्कबुक कहते हैं। ग्राफिक कार्यों को करने के लिए क्या आवश्यक है, यदि आपको ग्राफिक कार्य करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मिनी कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि ग्राफिक कार्यों को करने के लिए मिनी कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। एमएस एक्सेल फॉर्मूला हमेशा, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था 27 तारीख को, जो पेपर था 27 नवंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जब एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट का प्रकार है, तो क्वेश्चन नंबर आठवें का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है, लोटस 1-2-3, एमएस एक्सेल और सॉफ्ट कैल्क, ये तीनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आ जाते हैं। इस वीडियो में, ये वीडियो एक रिविजन वीडियो है, आपको रिविजन के तौर पर लेना है, ठीक है, और इसको बार बार देखना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस ज्यादा हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर नौ पे आ जाते हैं। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, क्या होता है, फॉर्मेट मेनू। जो एक्सेल होता है उसमें सेल बदलने का जो कार्य होता है वो होता है फॉर्मेट मेनू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, एक्सेल को डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, वो किया जाता है एडिट मेनू की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहा जाता है। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है, तो एक्सेल, ठीक है, एक्सेल एप्लीकेशन के विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। क्या होता है, एक्सेल एप्लीकेशन के विंडोज के सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। वर्कशीट में एक सेल की अधिकतम करेक्टर कितने होंगे, यदि वर्कशीट है, वर्कशीट के एक सेल के अधिकतम करेक्टर 256 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कशीट के एक सेल की अधिकतम जो करेक्टर होती है वो होती है 256। क्वेश्चन नंबर 15, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार का। नेक्स्ट आ जाते हैं एमएस एक्सेल के भाग दो पे, ठीक है। तो एमएस एक्सेल का भाग दो हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में करेंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप बाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको 10 पीडीएफ फ्री भी मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कबुक की फाइल का विस्तार होगा, तो ये होगा .xlsx, ठीक है। एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होगा, ये विस्तार हो गया। किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना क्या कहलाता है, किसी सेल में किए कार्य को संशोधन करना रेंज कहलाता है, किसी सेल में किए कार्य को संशोधन करना रेंज कहलाता है। एंड वर्कशीट में प्रथम सेल का पता, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 से चलता है, जी हाँ बिल्कुल A1 से ही चलता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में निचली पट्टिका कहलाती है। निचली पट्टिका को स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। निचली पट्टिका को स्टेटस बार कहा जाता है। एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है, तो एक्सेल 2003 का ये है, तो एक्सेल 2003 में जो संख्या होती है 6, 5, 5, 3, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला जिन्हें चिन्ह में शुरुआत होता है वो इक्वल टू होता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, रिविजन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक एक्सेल वर्कशीट में 236 पंक्तियां यानी कि रो और 65536 कॉलम होते हैं, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हम एमएस एक्सेल को ग्राफ बना सकते हैं। हम एमएस एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। जी हाँ, ग्राफ बना सकते हैं। की टैब द्वारा सारणी बनाई जा सकती है। की टैब द्वारा सारणी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कह सकते हैं। बिल्कुल, स्प्रेडशीट को वर्कशीट कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। जी सही है, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल को एड्रेस होगा, तो किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम के प्रथम सेल का एड्रेस A1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल की एक शीट में 256 कॉलम और 65536 रो होती हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो ऊपर भी हमने यही किया था, लेकिन वहां पे एक्सेल की एक शीट नहीं थी, वहां पे वर्कशीट थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो यहां पे एक एक्सेल की वर्कशीट की बात हो रही है, वहां पे शीट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो को जोड़ना क्या कहलाता है। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ना सेल कहलाता है। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो आप लोग पीडीएफ की क्वालिटी देख ही रहे होंगे, यही सब प्रश्न बार बार आपके बेल्ट्रॉन एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो में हम वन लाइनर करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आप अगर इस पीडीएफ को बाय करते हैं तो आपको वन लाइनर स्टडी कैसे करना है। ये रिविजन वीडियो है एक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे उपयोगी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रा टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? नहीं, एमएस एक्सेल एक स्प्रेड प्रोग्राम है। स्प्रेड प्रोग्राम नहीं है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम, ठीक है। और हाँ, थर्ड को मैं बता देता हूँ, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये गलत है। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है, ठीक है, ये सही चीज़ है। नेक्स्ट है स्लाइड शो एक्सेल का प्रयोग होता है, गलत। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती हैं? तो 65536 रो होती हैं, ठीक है। एक्सेल के पहले सेल का एड्रेस होगा, एक्सेल के जो पहले सेल का एड्रेस होगा वो होगा नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको भी नेस्टेड फंक्शन ही कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस करते हैं। कौन सा स्पेस प्रेस करते हैं? बैक स्पेस। यदि बाईं तरफ से मिटाना है तो आप कौन सा स्पेस प्रेस करेंगे? आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे। रो कॉलम का कटाव सेल कहलाता है। रो कॉलम का कटाव सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेल की टाइटल बार में कौन सा बटन होता है? एक्सेल की टाइटल बार में कौन सा बटन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते हैं, एक्सेल की टाइटल बार में कौन सा बटन होता है? तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बटन होता है, ठीक है। एक्सेल की टाइटल बार में मैक्सिमम दोनों बटन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, 11 पे, एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट होती है? तो एक्सेल के प्रत्येक फाइल में 256 सीट होती है। एक्सेल के प्रत्येक फाइल में 256 सीट होती है। एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मीनू कौन सा है? तो एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मीनू वो फाइल मीनू है। एक्सेल 2010 में अतिरिक्त मीनू फाइल मीनू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सेल पॉइंटर में अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? सेल पॉइंटर को अगली सीट में ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? तो पेज प्लस कंट्रोल डाउन होता है। डैश डाटा का दृष्टिगत प्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है, तो वो होता है चार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस द्वारा एड्रेसेस रेंज निर्दिष्ट होता है, इसे एक पृथ्वी, तो ये डी हो जाएगा, जिसको कॉलोन कहते हैं, ये सिंबल, ठीक है। तो इसमें हमने 45 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में अगले 45